उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमिहीन मुसहर परिवारों के लिए जमीन आवंटित करते हुए मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराने हेतु 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, परंतु जमीनी स्तर पर सही क्रियान्वयन न होने से अधिकांश मुसहर परिवारों को प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना से के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। यह है कि जगह नहीं भवन के जगह बिना आवास नहीं बनाता है, और फिर क्या देखा था मड़ाई सड़ाई गिर जाता है तो गदेला लोग ऐसे पानी में रह जाते हैं। तो समस्या का होता जमीन नहीं होता, फिर जमीन नहीं बहा कुल मड़ाई गिर जाता, घर द्वार गिर जाता, रहन पल्ले वगैरह बनाए खान परेशानी बसाए, और कहाँ जाए हम सभी लेके, जगह जमीन नहीं बनाए घर द्वार आवास नहीं बनाता। बाभन बहन ऐसे की मार मार खेदे रहते हैं, कहते हैं कि भाई यही हमारी जमीन है, जमीन कह रहे प्रधान से, हमने कहा कहते हैं बंजर हो प्रधान हमन को बसाई दे, तो कहते हैं तोरे सबके जमीन नहीं है, कहाँ बात जमीन, कहाँ बात जमीन की तोरे सबके बसाएं, ऐसे प्रधान बोलत हैं। कुल आधार कार्ड बन गया हमन के, पहचान पत्र बना बा बताओ ले, और न बना हो तो यहाँ के निवासी बने थे हम सब, न प्रधान ही लड़ी और बी डी सी जीतते, प्रधान सुनते नहीं बाहे, जगह नहीं बा तोहर सब जगह द मिले हम संग बने घर द्वार, का कहते प्रधान, प्रधान कहते कि जगह दे तो बने हम दे जगह तब बने, जमीन मिले का फायदा हुए, घर द्वार बन जाए, रहे ठिकान हो जाए, काय कर जाए, पिए पानी हो जाए। कब से बसी हुई है यहाँ? बहुत साल से बसी है। का चाहत हो? चाहत है घर द्वार, चाहत है जगह जमीन, चाहत है जगह दा हमारा बन जाए घर। मैंने इस समस्या पे वीडियो बनाकर समुदाय के साथ बैठक की और एक आवेदन तैयार किया और समुदाय के साथ जिला अधिकारी कार्यालय पर जाकर जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि आप भदोही जनपद के जिला अधिकारी जिनका मोबाइल नंबर 94-54-41-75-68 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि इन सभी परिवारों को जल्द से जल्द जमीन आवंटन हो सके। वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं अनिल कुमार भदोही उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।